हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी को बॉईल होने के लिए रखा हुआ था और उसके अंदर हम ऐड करेंगे एक कप जितना चावल। चावल को मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखा था और उसके बाद इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया है। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से जो चावल है वो खिले खिले बनते हैं। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तो करीबन 8 से 9 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और चावल को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम ठंडा पानी छिड़क देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम चम्मच की हेल्प से फैला लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ करीबन 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल हल्का गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और ये मैंने लिया है 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और 2 टेबलस्पून हम लेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। और ये मैंने लिया है ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट जो कि 1/4 कप है। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच अदरक और इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक सौते करेंगे। यहाँ पे हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, जो सब्ज़ी का कच्चापन है वो सिर्फ निकल जाना चाहिए। और अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम डाल देंगे रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे सोया सॉस। और उसके बाद फिर से हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसको आधे मिनट तक सौते करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 कप बॉयल मटर और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से हरे प्याज के पत्ते और साथ ही में जो हमने राइस कुक करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। तो इसे हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। और लास्ट में हम इसे हरे प्याज के पत्ते से गार्निश करेंगे। तो फ्राइड राइस बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे फ्राइड राइस। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।